प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने झंडा वंदन कर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने कहा, भारत का संविधान प्राचीन भारतीय सभ्यता में निहित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है। हम सभी मिलकर आज देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लें। खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि कुछ समय पहले प्रदेश में आम चुनाव हुए, प्रदेश के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, ले लेना ना। जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। संविधान की मूल धारणा है कि जो राजनीतिक दल वादे करे जनता के सामने, जो ऊपर ऊपर अपना घोषणा पत्र लेके जाए और उसके आधार पर वोट ले, तो फिर अक्षर से संविधान की भावना होती है कि उसका वो पालन करे। तो हटा लेना नहीं आ रही। दुख है इस बात का कि प्रदेश के दो महीने की, लगभग एक महीने 45 दिन की जो सरकार है, आज गणतंत्र की बातें और भाषण तो खूब होंगे पर एक शब्द भी उस संविधान की, उस मूल भावना की जो आपने जनता के सामने प्रेषित किया, उस पर आप मूल बात प्रदेश के सामने लेके आए, इस सरकार ने नहीं किया। जो हमारे लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। देश के जो हालात हैं, वो चाहे महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, जो सामाजिक सार्वधर्म संभाव की भावना, इस देश की मूल संविधान की धारणा है, उसकी बात हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो, या जनप्रतिनिधियों के की ताकत की बात हो, इन पर भी संकट गहराता जा रहा है। जो 75 वर्ष की यात्रा में देश के हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने, जो पदों पर रहे उन नेताओं ने इसकी रक्षा की, आज वो संकट में। आप देखो कि 145 सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास करवा लेना, ये तो मूल धारणा अभी। अरे ऊपर कर रहा हूँ। विधानसभा से विधायकों को निष्कासित कर देना, ये धारणा नहीं थी संविधान की। ये धारणा भी संविधान की नहीं थी कि जो राजनीतिक रूप से ताकत देती वो संस्थाएं जो स्वायत्त होती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, उनको कमजोर किया जाना, ये सब देश के सामने आज इस संविधान दिवस पर प्रश्न है। देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, और ये सारी भावनाएं ये बताती है कि लोकतंत्र में जो आम नागरिक है उसको और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और इस संकट के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार सभी देशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।